पूर्व विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह की प्रथम पुण्यतिथि उनके लालूपुर आवास पर श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर पूर्व विधायक के परिजनों व बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनके चित्र पर पुष्पार्जन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह की पत्नी वैशाली सिंह, बड़ी बेटी सदर विधायिका अदिति सिंह व उनके पति अंगद सैनी, छोटी बेटी दिव्यांशी सिंह ने अखिलेश सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बोलते हुए सदर विधायिका अदिति सिंह ने कहा कि उन्हें अपने पिता से समाज सेवा करने की जो प्रेरणा मिली है, जनता की वह सेवा हमेशा करती रहेंगी। जनसेवा से ही हमारे पिता ने लोकप्रियता हासिल की थी। समाज के हर वर्ग व हर तबके की समस्याओं को हमेशा सुना और सबके सुख दुख में शामिल हुए। उनके इन्हीं आदर्शों के साथ मैं जीवन में हमेशा आगे बढ़ती रहूंगी। अखिलेश सिंह की पत्नी वैशाली सिंह ने कहा कि मेरे पति ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, मैं अपने बच्चों को उन्हीं आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करती हूँ, ताकि वे अपने पिता की तरह समाज सेवा के कार्य में तत्पर रहें। इस अवसर में प्रमुख रूप से नगर पालिका अध्यक्षा पूर्णिमा श्रीवास्तव, मुकेश श्रीवास्तव, समाज सेवी उमेश सिकरिया, उनकी धर्मपत्नी, साथ में अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। वहीं हम आपको बता दें कि आज स्वर्गीय पूर्व विधायक अखिलेश सिंह की पुण्यतिथि पर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी में प्रमुख रूप से ओम श्री शक्ति मानव सेवा मंडल द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही सिख समुदाय द्वारा भी गरीब व्यक्तियों को भोजन वितरित कराया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सदर विधायिका अति सिंह व उनके पति अंगद सैनी मौजूद थे। S7 की टीम रिपोर्ट। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। Thank you.
हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम। आपके कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। आज मेरे स्वर्गीय पिताजी माननीय अखिलेश सिंह जी अतिथि है, और इसी क्रम में आज हम सब ने, उनके सभी समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने और हम उनके परिवार वालों ने इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया था लालूपुर चौहान में, हमारा पैतृक गांव है। तो यहाँ हमने पुष्पांजलि और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया था, साथ ही साथ शहर में कई कार्यक्रम किए थे। कुष्ठाश्रम और वृद्धाश्रम में आज खाने की व्यवस्था कराई थी, साथ ही साथ प्रसाद वितरण की व्यवस्था एवं सुपरमार्केट में हमने खाने की व्यवस्था आज कराई थी। जो भंडारे चलते हैं उनमें आज हमने पूरी तरीके से वहाँ खाने की व्यवस्था कराई थी गरीबों के लिए। और जिस राह पे विधायक जी हमको छोड़ गए हैं, जो राह दिखा के गए हैं, उसी पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि कोरोना का समय है इस बार, हम चाहेंगे कि अगले साल से हम और ज़्यादा भव्य तरीके से उनकी पुण्यतिथि का हर साल उसको मनाएं और उनकी यादों को ताज़ा करें और उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि दें। विधायक जी जननायक के तौर पर जनता के दिलों में राज करते थे, और लोगों को क्या प्रेरणा उनसे मिलती है? मेरे लिए वो मतलब पूरी तरीके से प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी हर एक कही गई बात, उनके हर एक करे गए काम को मैं प्रेरणा लेती हूँ। मेरे मतलब बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी भी मिलती है उसके बारे में सोच के, और जो वो रास्ता दिखा गए हैं उसी पे चलने का मैं निरंतर प्रयास करती हूँ, उसी तरीके से मैं चलने का। हमने बस आज ने छोटा सा एक आयोजन रखा है अपने पति के याद में, हम सब परिवार वालों ने, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे लोगों ने छोटा सा प्रोग्राम रखा है, इनको याद किया है आज के दिन, आज उनकी पहली पुण्य तिथि। तो मैं सबका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि सब आए, उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मेरे पति को सब बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारा आज एक यही आयोजन था। मेरे तो वो पति थे ना, मैं ना कभी भूली हूँ ना भूली, वो तो हमेशा ही मेरे साथ रहे हैं, हमेशा ही रहेंगे। और मैं अपने बच्चों को बस वही बताती हूँ कि जैसे उनके पिता एक गरीबों के मसीहा हमेशा हरी के जरूरत के वक्त खड़े रहते थे, वही उसी आदर्शों पर मेरे बच्चे भी चले और उन्हीं के जो उन्होंने पथ दिखाया उसी उस पर चलते जाएँ और उन्हीं के हिसाब से उन्हीं की तरह काम करें, ताकि अपने पिता का नाम हमेशा रोशन रहे। मार्गदर्शन पर जैसा उनका मार्गदर्शन था उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे सदर विधायक अदिति सिंह के नेतृत्व में हम सब लोग, जैसा उन्होंने सपना देखा है विधायक जी ने, और हमारी विधायक अदिति सिंह ने लाइब्रेरी को बहुत खूबसूरत बनाने की, उसी मार्ग पर हम लोग आगे चल रहे हैं। और हमारी यही सिफारिश है विधायक जी को कि हम लोग उनके बताए हुए कार्यों को पूरा कर सकें और विधायिका जी का जैसा सपना उसे पूरा कर सकें। धन्यवाद।